जबलपुर के रांची में मारपीट के बाद सुसाइड करने वाले 40 वर्षीय दवा दुकानदार सौरभ साहू का एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो सुसाइड से पहले बनाया गया था। बीजेपी के पूर्व पार्षद के भतीजे मृतक सौरभ ने इस वीडियो में ऋषि साहू, डॉक्टर तरनजीत गुलजार, काकी उमर, तेजिंदर सिंह लांबा और क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता सहित अन्य पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि ये लोग दुकान खाली करने का दबाव डाल रहे थे, इसी को लेकर उसके साथ मारपीट भी की गई, जिससे परेशान होकर वह सुसाइड करने जा रहा था। मृतक के छोटे भाई ने यह वीडियो रांची पुलिस को सौंपा है। 12 अक्टूबर की रात सौरभ के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसने अपनी जान दे दी। मेरी सुसाइड नोट गुम हो जाने के बाद या कोई भी सबूत मिट जाने के बाद मेरा सारे सबूत, सुसाइड नोट, वीडियो मेरे मोबाइल पे है। ये डॉक्टर तरनजीत गुजराल, ऋषि साहू, काके गुमर, तेजिंदर सिंह लांबा, इस सब मेरे मौत के जिम्मेदार हैं। ऋषि साहू और डॉक्टर तरनजीत गुजराल दुकान खाली कराने के लिए अपने गुंडों के साथ भेज के मारपीट कराई। इनने 2 साल से मुझे बहुत प्रताड़ित किया मानसिक रूप से, सामने दुकान खुलवा के ये करके बहुत कई तरह के मुझे प्रताड़ित किया। जब मैं नहीं झुका तो अब इनने मारपीट का रास्ता इख्तियार किया, जिससे तारक लोग के मानसिक रूप से मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कोई भी सबूत न मिलने पर मेरे मोबाइल से आपको सबूत मिल जाएगा सारे, वरना मेरी बेटी की मोबाइल पे आप सबूत ले सकते हैं। डॉक्टर तरनजीत गुजराल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ऋषि साहू, काके गुंबर, तो तेजिंदर सिंह गुजराल लांबा को जेल होनी चाहिए।